ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की लड़ाई परिवारवाद न्यायालय में है, तो वहीं अब सरकारी आंकड़ों में भी इसकी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य, जो पीसीएस अधिकारी हैं और बरेली में पोस्टिंग है, उनके खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब इस आरोपों की जांच के लिए प्रयागराज कमिश्नर को सौंपा गया है और प्रयागराज के कमिश्नर ने एक जांच कमेटी बनाई है। आखिरकार ये एक जांच कमेटी किस तरह जांच करेगी, ज्योति मौर्य पे क्या क्या आरोप है, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ अमृतलाल बिंद जी हैं, क्योंकि ये कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। सर, क्या आरोप है ज्योति मौर्य पर? नहीं देखिए, अभी इस तरह की बातें नहीं बताई जा सकती। अभी तो कमेटी की बैठक होगी और दोनों पक्षों को बयान लिए जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो बाद में सुनेंगे। अच्छा, एक चीज़, आलोक मौर्य ने ही आरोप लगाया, तो उसी उन्हीं के आरोपों के आधार पर? हाँ, आलोक मौर्य के शिकायत पर जांच आई है। अच्छा सर, ये जांच किनके पास आई है और कि कमेटी गठन किया, कितने लोग हैं उसमें, कौन कौन लोग हैं? सर, ये जाँच शासन से माननीय मंडलायुक्त महोदय के पास आई थी। माननीय मंडलायुक्त महोदय ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं। उसमें श्री हर्षदेव पांडे, एडीएम प्रशासन प्रयागराज, और श्रीमती जयजीत कौर उसकी सदस्य हैं। सदस्य, अच्छा सर, किन किन चीज़ों की जांच होगी इसमें सर? अब ये तो उनकी शिकायतें जो आई हुई हैं, कई शिकायतें हैं, उन्हीं शिकायतों की जाँचें होंगी। अब कब तक रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है? अति शीघ्र जांच करके रिपोर्ट कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। ये थे हमारे साथ जांच अधिकारी, जो अब ज्योति मौर्य यानी पीसीएस अधिकारी के पूरे मामले की, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था आलोक मौर्य ने, उस मामले की अब जांच करेंगे। इनका सीधा कहना है, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो संबंधित अधिकारी को सौंपा जाएगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा आखिरकार ज्योति मौर्य सही है या गलत।